ये कहानी उस शख्स की है जिसको सांप सपने में आया और उसने बोला कि मैं तुझे 9 बार डसूं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ अपने ही ज़िले के फतेहपुर ज़िले के बिंदकी तहसील जो कि मलवा क्षेत्र आता है, मलवा थाने सौरा गांव की एक कहानी है जो कि विकास दुबे हैं 24 वर्षीय। इनको लगातार सर्प ने 6 बार काटा और जो कि स्नेक बाइट होती है, नाग देवता जो होते हैं वही जहर एंटी वेनम देकर इनको सही किया गया है। तो ये घटना बहुत ही रोचक है, अभी जुलाई मंथ की घटना है। तो डॉक्टर भी हैरान है कि किसी व्यक्ति को लगातार इतने बार सांप काटने के बाद भी वह जिंदा हो जा रहा है, बच जा रहा है। तो सांप जो कि सपने में आया इस विकास दुबे शख्स के सपने में जो आया था सांप, उसने बोला कि मैं तुझे 9 बार काटूंगा, 8 बार तू बच जाएगा लेकिन 9वीं बार तू बच नहीं पाएगा। तो ये विकास दुबे शख्स हैं जो कि 24 वर्षीय हैं, सौरा गांव मलवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वहीं के व्यक्ति हैं। ये बहुत ही रोचक घटना है जो कि डॉक्टर भी हैरान हैं और सब लोग भी हैरान हैं कि सर्प इनको पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये पहले घर में थे, 2 जुलाई को सबसे पहले सर्प काटा घर में, 3 बार लगातार घर में सर्प काटने के बाद घर वालों ने कहा, 3 बार लगातार सर्प काटने के बाद घर वालों ने या पड़ोसियों ने कहा कि आप दूर कहीं रिश्तेदार चले जाइए, रिश्तेदारी पर चले जाइए। तो इन्होंने मलवा थाना क्षेत्र से फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि राधानगर वहाँ अपने मौसा के यहाँ चले आए, तब भी उस सर्प ने रात में उनके घर पर भी काट लिया। अब ये संयोग कहें क्या कहें, लेकिन वही सर्प फिर यहाँ पे भी बाइट किया और उसके बाद इलाज इन्होंने फिर करवाया फतेहपुर जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल या उसमें गए, तो वहाँ पर भी फिर से बाइट मिली, वैसे ही इंजेक्शन लगाया गया एंटी वेनम का। तो ये लगातार सिलसिला जारी रहा। उसके बाद ये अपने चाचा के यहाँ चले गए, तो इनको लगातार 6 बार सर्प अभी तक काट चुका है और ये ठीक भी हो चुके हैं। तो ये आपको पता है कि नाग जो कि इंडियन कोबरा है, अगर एक बार भी काट लेता है तो लोगों को बचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये संयोग से क्या इनका इलाज भी जल्दी हो जा रहा है, उस दौरान ये सही भी हो जा रहे हैं। तो यही एक रोचक घटना है अपने फतेहपुर ज़िले की। ये बहुत ही रोचक घटना है जो कि पहली बार ऐसा सुना गया है कि किसी व्यक्ति को इतनी बार सर्प काटे और वो बार बार बच जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, अब 9वीं बार काटता है या नहीं काटता है, 8वीं बार काटता है कि नहीं काटता है सर्प, तो ये तो आगे चलकर पता चलेगा, इस कहानी पे मोड़ आएगा तब। तो कहानी अगर आएगी आने वाले समय में न्यूज में आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, अपडेट करूँगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद, हमारे वीडियो में आने के लिए धन्यवाद।